मधु लवारिया में हमारे एचओडी में पूरी टीम अपने डिपार्टमेंट की। सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि जो टॉपिक हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, जो फर्स्ट मिनट वाला, जो पहली मिनट होती है बर्थ के बाद, बेशक बहुत ही कीमती होती है। अभी तक बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं था, लेकिन जब से स्पेशलिटी शुरू हुई है तो फोकस भी है, बहुत ज़रूरी भी है। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारा डिपार्टमेंट सबसे अच्छा काम कर रहा है, और SN मेडिकल कॉलेज का विशेष आशीर्वाद रहता है हम लोगों पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। हमेशा जब भी बुलाते हैं, डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर मधु तो पहली बार आई हैं शायद, हमेशा ये लोग आते हैं, ब्लेस करते हैं और हम सभी लोगों को गाइड करते हैं। तो आपसे सबसे बस यही हमारी रिक्वेस्ट है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न्स हैं, PG हैं, कि ध्यान से इस चीज़ को सीखें और हमेशा ह्यूमिनिटी और क्वालिटी के साथ इस काम को आगे बढ़ाएं। टॉपिक पे तो सब ये लोग आपको बताएंगे बेहतर। जितना आप ह्यूमिनिटी लाएंगे अपने अंदर और जितना क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे, तो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, कोई भी आपको रुकने वाला नहीं है। हमारा डिपार्टमेंट जो मेहनत कर रहा है, टीम हमारी पूरे आगरा मंडल या अलीगढ़ मंडल, मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि सबसे अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, और मुझे गर्व होता है ऐसी टीम के साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। ये वर्कशॉप हम लोग इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और नेशनल न्यूट्रोलॉजी फोरम, और ये जो है हमारा पूरा देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर है, उनका टारगेट है कि जो हमारे यहाँ नवजात शिशु का जो मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसी कंट्रीज़ जो हमसे पीछे भी हैं, उनका भी मृत्यु दर हमसे कम है। तो हमारा जो ये पूरा प्रोग्राम है इसलिए चल रहा है कि हम लोग नवजात शिशु मृत्यु दर और जो बच्चों में एक बीमारी होती है न्यूनेटल एस्फिक्सिया जो हम कहते हैं, वो हम कम कर सकें। तो इसके लिए हम हर इंटर्न को, हर नर्सिंग स्टाफ को, हमारा एम है कि हम सबको ट्रेन करें कि जन्म के तुरंत एक मिनट के बाद हम बच्चे को किस तरह से सपोर्ट करें, वो बच्चे जिनको की दिक्कत है उन्हें हम क्या क्या तरह से सहायता करें कि वो बच्चे एक नॉर्मल बच्चे की तरह जीवन व्यापन कर सकें। क्योंकि अगर पहले एक मिनट में हम लोग बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, तो या तो नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है, या वो बच्चा दिमाग से कमज़ोर हो जाता है, या उसे ICU में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पूरा कार्यक्रम, और ये देश भर में ये कार्यक्रम चल रहा है, और हम अभी अपने सारे इंटर्न्स को ट्रेन कर रहे हैं। हमारा सेकेंड बैच ऑफ इंटर्न है, और ये प्रोग्राम हमारे कंटिन्यू होते रहेंगे। आज की वर्कशॉप जो हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, उसकी पहल है, और ये हम बेसिक NRP में जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो भी बच्चे डिलीवर्ड हो रहे हैं ये हमारे भारतवर्ष में, जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी का मेजर कॉज है वो बर्थ एस्फिक्सिया है। बच्चा पैदा होने के बाद पहले मिनट में सांस नहीं ले पाता, तो इसकी वजह से काफ़ी बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। और जो डेटा है वो लगभग 2 मिलियन चाइल्ड पर ईयर हमारे यहाँ इसी प्रॉब्लम की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो भी डिलीवरी अटेंड करते हैं, उनको बेसिक NRP में हम ट्रेंड कर दें, जिससे वो पहले मिनट में बच्चों की सांस जो फर्स्ट मिनट है इस्टेब्लिश करा पाएँ, और हम बहुत से बच्चों की जान ये ट्रेनिंग के द्वारा बचा सकते हैं। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर बच्चे बहुत जल्दी मर जाते हैं क्योंकि उनको न्यूनेटल केयर ही नहीं मिल पाती। पैदा होने के बाद का पहला मिनट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो हम उसी फर्स्ट गोल्डन मिनट में सारे बच्चों को ट्रेन करना चाह रहे हैं। ये बेसिकली हम अभी इंटर्न्स को ट्रेन कर रहे हैं, जिससे ये बाहर जाके औरों को ट्रेन करें, और जहाँ भी ये पोस्टेड हों वहाँ पर कुछ लाइव्स को बचा सकें। ये प्रोग्राम बेसिकली भारत सरकार द्वारा इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और न्यूनेटल फोरम, ये तीनों मिलकर इस प्रोग्राम को कंडक्ट करवाया। उनका उद्देश्य ये है कि जो हमारी न्यूनेटल मोर्टेलिटी है, जो फर्स्ट गोल्डन मिनट है, उसमें हम सबको ट्रेन करें और न्यूनेटल मोर्टेलिटी को कम करें। आज हमारा ये जो वर्कशॉप हुआ है, इसको आयोजित किया है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और नेशनल न्यूट्रोलॉजी फोरम के सहयोग से। इसका नाम है फर्स्ट गोल्डन मिनट प्रोजेक्ट, जिसके तहत हम सारे जितने भी हेल्थ केयर कर्मचारी हैं, डॉक्टर हो, नर्सिंग स्टाफ हो,
पैरामेडिक हूँ, सबको हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उस समय बच्चे के साथ उसको कैसे उस समय हैंडल करना चाहिए, और अगर बच्चे में कोई दिक्कत आती है, बच्चा रोता नहीं है जो कि बहुत बड़ी समस्या होती है, तो उस समय अगर एक मिनट के अंदर हम बच्चे को रुला लें तो वो दिक्कत हट सकती है और उस दिक्कत को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या हमें करने होंगे, क्या वो स्टेप्स हैं जिनको करने से हम बच्चे को थोड़ा सा आराम दिला सकते हैं तुरंत के तुरंत, और ताकि बच्चे की आगे जाके जो विकास हो वो प्रिजर्व रहे, सही रहे। तो उसके लिए हमने आज ये प्रोग्राम आयोजित किया है। ये हमारा सेकंड टाइम ट्रेनिंग का सेशन हो रहा है और हम आशा करते हैं कि हम और भी ऐसे सेशंस कर पाएंगे। ये जो आज का प्रोग्राम है, ये जो है FH मेडिकल कॉलेज के द्वारा इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी फोरम के मतलब के साथ एसोसिएशन में कराया गया है। इसमें हम बेसिकली बच्चों को ये इंटर्न्स को मोस्टली जो कि आगे जाके फ्यूचर डॉक्टर्स बनने वाले हैं उनको ये सिखाया जा रहा है कि जो फर्स्ट मिनट ऑफ लाइफ होता है, जो नवजात शिशु होते हैं उनका जो पहला मिनट होता है वो बहुत कीमती होता है, और उस पहले मिनट में अगर हम कुछ तरीकों से बच्चे को रुला पाते हैं या कुछ उससे, तो वो बच्चे की पूरी ज़िंदगी बना सकता है। और ये है कि ये लोग जब बाहर कम्युनिटी में जाएंगे तो यही लोग वो होंगे जो पेरीफ्रीज में होंगे, जो गाँव में या PHC CHC पे, जो कि लोग डिलीवरीज के टाइम पे अगर कुछ मदद चाहिए हो ये लोग कर पाएंगे, या पहले मिनट में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कर पाएंगे। तो इससे ताकि ये होगा कि जो हमारे जैसे देश में डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, इनमें जो कि नवजात शिशुओं की मौत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ बेसिक जो कि मिल जाना चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो ये प्रोग्राम इसी के लिए, ताकि हम वो चीज़ें इन सबको सिखा पाएँ, ताकि ये जाके कम्युनिटी में ये चीज़ें आगे को सिखा पाएँ। इस वर्कशॉप में हमें ये बताया गया है कि जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके लिए फ़र्स्ट मिनट कितना क्रूशियल होता है, कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो उस फर्स्ट मिनट में हमें बेबी को कैसे एसेस करना है, क्या बेबी को मतलब कैसे ट्रीट करना है, अगर वो ब्रीदिंग नहीं कर रहा है या ब्रीदिंग कर रहा है तो कैसे उसे केयर करना है, ये सारी चीज़ें हमें आज यहाँ पर सीखने को मिली। ये वर्कशॉप बेसिकली हमने छोटे बच्चों को, नवजात शिशुओं को बचाने के लिए सीखी गई है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयरनेस फैला सकें और अपनी रीच से हम और लोगों को सिखा सकें, और जो कि डेथ हो रही है इंडिया में, और हमें बचा उनको बचा सकें।